अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जर्दा। जर्दा बनाने के लिए मैंने एक किलो चावल लिए हैं, बासमती राइस लिए हैं, उसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है और दूसरे एक पैन में मैंने पानी चढ़ा दिया है चावल को उबालने के लिए। गैस का फ्लेम भी मैंने चालू कर दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं चार हरी इलायची और चार पांच हम लौंग इसमें डाल देते हैं और पानी में अच्छा सा उबाल हमें लाना है। अगर आपको कलर में कोई ऑप्शन है, आपको येलो जर्दा पसंद है तो आप येलो फूड कलर डाल लें और आपको अगर ग्रीन पसंद है तो आप ग्रीन डाल लें। और मिक्स आप बनाना चाहते हैं तो आप ऑरेंज और ग्रीन दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बाद में कलर यूज करना पड़ेगा। तो मुझे ऑरेंज जर्दा बहुत पसंद है तो मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर यूज कर रही हूँ, जिसके लिए मैं आधा टीस्पून थोड़ा सा ही, मतलब बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। पानी में अच्छा सा एक उबाल आने देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए चावल में, ये पानी में हमारे बहुत अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। देखिए कितनी अच्छी भाप निकल रही है, खूब तेज। बस अब हमें क्या करना है, जो हमने भिगो के रखे हैं चावल वो हमें इसमें ऐड कर देना है। आधा घंटा या पौना घंटा आपके पास जितना वक्त हो आप चावल को भिगा दें। सारे चावल को हम इसमें डाल देंगे पानी में। चावल डाल करके भी हम इसमें अब अच्छे से चावल को पका लेंगे। हमें चावल को पूरी तरीके से पकाना है और कनी वगैरह कुछ का, कोई भी चीज का हमें वो नहीं लेना है इसमें। हमें पूरे चावल जैसे हम पकाते हैं वैसे ही पकाना है। जब हमारे चावल अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो हम इसका पानी निकाल देंगे। दिखाते हैं आपको, चावल हमारे अच्छी तरीके से पक रहे हैं। देखिए चावल में बॉयल आ गया है। इसे हम अच्छी तरीके से टेंडर होने तक के पका लेंगे। चावल हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं और ये चावल हमारे अच्छी तरीके से गल भी गए हैं। देखिए चावल पूरा अच्छी तरीके से टूट रहा है, कहीं भी कनी वगैरह बाकी नहीं रह गई है। चलिए अब इसे चावल को पसा लेते हैं। इसका सारा पानी हम छन्नी में निकाल देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। चावल का सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब आती है बारी इसमें शक्कर डालने की। तो एक किलो चावल थे और मैं इसमें पौना किलो शक्कर डाल रही हूँ, लेकिन आप इसमें जितनी शक्कर, आप आधा किलो भी डाल सकते हैं, एक किलो भी डाल सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मीठा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा यूज कर सकते हैं कि आप लोगों को मीठा कितना पसंद है। मेरी पैन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, पर देखते हैं क्या होता है। मिक्स कर देते हैं हम इसे अच्छी तरीके से। गैस का फ्लेम हाई रखा हुआ है मैंने, क्योंकि अभी शक्कर हमारी पिघलेगी तो नीचे पूरा शीरा हो जाएगा, जो अच्छी तरीके से पक जाना चाहिए, वरना पूरे चावल हमारे गीले हो जाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है और शक्कर को अच्छी तरीके से मिक्स कर दे रहे हैं ताकि ये नीचे अच्छे से मिल जाए। ये देखिए इस तरीके से हमें मिक्स कर देना है शक्कर को अच्छी तरीके से। मिक्स कर दिया है मैंने शक्कर को इसमें अच्छी तरीके से, चावल और शक्कर मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, हाई फ्लेम रखा हुआ है मैंने और इसे मैं ढक दे रही हूँ ताकि जल्दी से इसमें जो नीचे शीरा है वो खत्म हो जाए और चावल में हमारे जरा भी नमी ना रहे। फिर बताते हैं आपको। जब तलक के चावल हमारे शक्कर के साथ पक रहे हैं तब तलक के हमने एक दूसरा पैन रख दिया है और उसमें 150 ग्राम देसी घी मैं ले रही हूँ। घी जैसे ही हमारा गर्म होता है
हम उसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। घी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं 20 काजू लिए हैं मैंने आधे आधे टुकड़े में काटकर, और 20 से 25 बादाम लिए हैं मैंने आधे आधे टुकड़े में काट करके। अब हम इसमें डालते हैं, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है, ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना हमारे ड्राई फ्रूट जल सकते हैं। इसे गोल्डन करके हम निकाल लेंगे। देखिए काजू बादाम हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। बस अब हमें क्या करना है, इन्हें निकाल लेना है। ड्राई फ्रूट हमने बाहर निकाल लिए हैं, और भी हमने थोड़े से छोटे टुकड़ों में काट के रखे हैं काजू बादाम का, बादाम का छिलका निकाल दिया था और काजू भी हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। ये 100 ग्राम के करीब होगा दोनों मिक्स करके। इसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए इसे भी हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक के, हल्की सी खुशबू आने तक के फ्राई कर लेते हैं। ज्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, थोड़े से नारियल के टुकड़े मैंने इस तरीके से काट के रखे हुए हैं छोटे छोटे टुकड़े, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। सभी को हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है, ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं, जल जाते हैं। जरा सा नजर हटी कि ड्राई फ्रूट ने अपना काम कर दिया, इसलिए हमें जरा सा भी हटना भी नहीं है यहाँ से, और फ्लेम ज्यादा हाई नहीं रखना है। कर लेते हैं इसे अच्छी तरीके से। ड्राई फ्रूट हमारे लाल हो गए हैं अच्छी तरीके से। अब हम अपने चावल देख लेते हैं कि हमारे जर्दे के चावल का क्या हाल है। ये देखिए चावल हमारे अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। ये देखिए नीचे से बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं रही है, शक्कर पूरी अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो गई है और पूरी ड्राई हो गई है, सूख गई है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए हैं घी के साथ में, पूरा हम उठा करके इसमें डाल देंगे। ये देखिए सारे मसाले को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ही हम इसे चलाएंगे ऊपर से, और हमने ये कुछ थोड़ा सा खोआ लिया है, वो भी हम इसमें छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हम खोआ इसमें डाल देते हैं। खोए का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर जर्दे में खोया नहीं तो समझ लीजिए कि वो जर्दा नहीं। बहुत टेस्टी बनता है खोआ डाल करके आप बनाइए। आप अगर जर्दा नहीं भी खाते होंगे तो आप खाने लगेंगे, इतना टेस्टी लगता है। ये देखिए खोए को मैंने डाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पे दम लगा देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं डिश आउट, दिखाते हैं आपको। जर्दा हमारा रेडी हो गया है। इसे हम क्या करते हैं, ढक्कन खोल करके एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं, ताकि खोआ चावल और ड्राई फ्रूट हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। हल्के हाथ से मैं मिक्स करूंगी इसे, बहुत ज्यादा नहीं, तेज चम्मच चलाना है वरना हमारे चावल टूट जाएंगे। इसे चला करके मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, उसके बाद करती हूँ डिश आउट इसे। रेडी है और इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खोआ डाल दे रही हूँ। थोड़े से हम काजू बादाम इसमें डाल देंगे।
देखिए हमारा यम्मी सा जर्दा बनकर के तैयार है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बनाइएगा, और प्लीज इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट करिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।